थे और इनको पेयर किस तरीके से करना है ये मैं अभी बताऊंगी। ये देखें अभी ये गर्ली से जो है वो बॉय की तरफ चला गया। ये जी बेसिकली पेयर जो है वो मैंने वहाँ पे खड़े खड़े डिसाइड किया है। और उसके अलावा जी दूसरी शर्ट ये थी और उसके साथ जी मैंने ये वाली जो है वो इसके साथ शॉर्ट्स ली। ये मैंने बच्चा पार्टी से ली थी और ये बहुत ही इसके साथ सूट कर रही थी। देन जी ये वाली जो है वो शर्ट है, ये वाली जो शर्ट्स है ना इस तरीके से आपने। और बस जी इस बड़ी ईद पे जिस जिस रिश्तेदार ने मुझे गोश्त को लेके तंग किया बस मैं जी उन्होंने पूंड बन के लड़ना जाए फिर ना क्यों। सो ये कलर बहुत ही ठंडा था, बहुत ही प्यारा था और ये मैंने शाहपोश से लिया। ये हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। सो गाइस ईद की आमद आमद है और आजकल हर बंदा सिर्फ सिर्फ ये सोच रहा है कि ईद के कपड़े कहाँ से लिए जाएं और कौन सी ऐसे ब्रांड्स हैं जहाँ पे सेल लगी हुई है। सो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना शॉपिंग एक्सपीरियंस के कहाँ पे सेल्स लगी हुई है और कहाँ पे बजट फ्रेंडली कपड़े मिल रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। सबसे पहले जी मैं आप लोगों को एक मशवरा दूंगी कि अगर आप भी मेरी तरह एक छोटे से बेबी की मदर हैं तो काइंडली जब भी घर से बाहर निकले कोशिश करें कि बच्चे को फुल कपड़े पहना के निकलें क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, बेइंतहा है। दूसरा कोशिश करें बच्चे को कैप लाजमी दें और अगर बेबी आपका 6 मंथ प्लस है तो उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद लाजमी थोड़ा सा पानी पिलाएं और खुद भी हाइड्रेट रहें क्योंकि आप खुद हेल्दी होंगी तो ही जो है वो आपका बेबी हेल्दी होगा। अच्छा लास्ट वीडियोस में ना मुझे इतनी हंसी आती है लोगों के कमेंट्स देख के, भाई आपकी तो जिंदगी बहुत अच्छी है, फ्लॉलेस है और जो है वो किसी किस्म की हर्डल्स नहीं है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, हर बंदे की लाइफ में हर्डल्स डिफरेंट होती है, हर बंदे की स्ट्रगल डिफरेंट होती है। मुझे लगता है आज के जमाने में खुशकिस्मत सिर्फ और सिर्फ वही है जो अपने हालात पर खुश है और जो बंदा अपने हालात पर खुश नहीं ना, चाहे वो अंबानी की बहू है या चाहे कुछ भी है, ठीक है, वो वहां पर भी जाके उसको कीड़े निकालने आएंगे कि भाई मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। सो मुझे लगता है जितना अल्लाह ने दिया है उस पर राजी हों और दूसरों की तरफ मत देखें, स्पेशली मैरिड वुमेन। मुझे लगता है आज के जमाने में सबसे ज्यादा जो ये जो घरेलू मसाइल स्टार्ट होते हैं ना वो इसलिए होते हैं कि लड़कियां क्या करती हैं, ये सबसे पहले तो मुझे लगता है स्यापा इंस्टाग्राम का है। इतने को क्यूट क्यूट मोमेंट्स लोगों ने शेयर किए होते हैं भाई और हम लोग फैंटेसाइज करना शुरू हो जाते हैं भाई हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे साथ भी ऐसा होना चाहिए, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। अल्लाह आपको हर चीज एट अ टाइम नहीं देगा, वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी के अच्छे मोमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जैसे कि मैं भी सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हाँ जहां पर मेरी स्ट्रगल्स हैं या मैं मेरी कुछ हर्डल्स हैं मैं वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती और करनी भी नहीं चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अपने हालात पर खुश होना चाहिए। सो किंग्स मॉल पे पहुंच गए, सबसे पहले हम लोग ब्रीजे पे गए और ब्रीजे वालों ने लॉलीपॉप दिया हुआ था जी अप टू 30% ऑफ का और हम लोग घर से ये सोच के निकले थे कि भाई आज सारी शॉपिंग ब्रीजे से करनी है क्योंकि हमारी पूरी फैमिली को ब्रीजे बहुत ज्यादा पसंद था। लेकिन भाई वो सिर्फ लॉलीपॉप था और जितने भी अच्छे कपड़े थे जो न्यू आर्टिकल्स है उन पर किसी किस्म की सेल नहीं लगी थी, उन सबको देख के बस दिल में एक आस ही बढ़ रहे थे, बाकी वहां पर किसी किस्म की सेल नहीं थी। और मुझे बेसिकली ब्रीजे की शॉल्स बहुत ही ज्यादा पसंद है, चूंकि आजकल बुरहान के क्रॉलिंग टेस्ट हैं तो वो मेरे पास आ ही नहीं रहा था, उसको ये था कि बस मेरी माँ मुझे नीचे छोड़ते या किसी कैबिन पे छोड़ते और मैं वहाँ पे क्रॉलिंग कर लूँ। और आजकल मुझे लगता है इसके साथ शॉपिंग करना बहुत ही मेरे लिए टफेस्ट होता जा रहा है। उसके बाद ही हम लोग पहुंचे जे डॉट और जे डॉट पे भी सिर्फ और सिर्फ सेल का टैग लगा हुआ था, बाकी जो फ्रेश आर्टिकल्स थे वो बहुत प्यारे थे और मुझे समझ नहीं आती ये जो सेल वाले आर्टिकल्स होते हैं ये मुझे लगता है 2-3 साल पुराने होते हैं, कोई भी एक भी चीज़ इसमें देखने लायक या लेने लायक नहीं थी। उसके बाद ही फर्स्ट स्टेप पर पहुंचे और जूते काफ़ी अच्छे थे, हम लोगों ने बस वहाँ पर उसको चूज किया कि इसको अगर हमें कोई और पसंद ना आया तो आके ये ले लेंगे। सो बैक टू द पॉइंट कि भाई क्या इश्यूज होते हैं, मुझे लगता है कि अपने फ्लॉज किसी भी बंदे को शेयर नहीं करने चाहिए। क्या होता है उस टाइम तो लोग आपको कंधा देते हैं और आपको सुन भी लेते हैं, लेकिन जब टाइम आता है यही लोग जो होते हैं वो आपके वीक पॉइंट्स उन बातों में से निकालते हैं और आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। सो आप लोगों को स्ट्रांग रहना चाहिए, अपने फ्लॉज किसी बंदे के साथ शेयर ना करें। वो कहते हैं ना फेक इट टिल यू मेक इट, मुझे लगता है आज के जमाने में जितना आप लोगों को फेक बनके मिलोगे ना तब तक ठीक है, जैसे ही रियल बनोगे ना लोग सांप बनके आपके पीछे फिर जाएंगे। सो थोड़ा सा सेल्फिश होना तो बनता है। ऐसे सेल्फिश होने की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं लेकिन मुझे पर्सनली अपने लिए जो लगता है सेल्फिश होना इज बेसिकली अ सेल्फ कॉन्शियसनेस का होना, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है और ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो सेल्फिश होना आपको चाहिए। और आज के जमाने में अगर कोई सेल्फिश नहीं है तो वो बेवकूफ है, क्योंकि लोग क्या करते हैं लोग आपके साथ आपकी अच्छाई को यूज करते हैं उसके बाद आपको फेंक देते हैं। सो बेहतर है कि थोड़ा सा सेल्फिश हो, थोड़े से अपने बारे में कॉन्शियस हो कि मेरे लिए ये चीज अच्छी है और ये नहीं। सो बैक टू द पॉइंट, बहुत सारे आर्टिकल्स अच्छे थे स्टाइलों पे, स्टाइलों की सेल वाकई कारम थी और इसके बैग स्पेशली, बैग्स तो एक ऐसी चीज है कि भाई जान निकलती है। और इसी सवाल में एंटर होते ही भाई कहा मुझे क्या बाजी कैमरा बंद कर दो, बस फिर हमें भी गुस्सा आ गया, हमने कहा कि अब जो है वो हम किंग्स मॉल से शॉपिंग करेंगे नहीं और हम लोग बाहर निकले। उसके बाद हम लोग इम्तियाज पे गए, इम्तियाज में थोड़ी सी ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी थी। इम्तियाज एक बेहतरीन ऑप्शन है, हर टाइप की और हर किस्म की चीज आपको यहाँ पे मिलेगी, बच्चे को लेकर किसी भी किस्म की ग्रॉसरी है या कोई भी आर्टिकल्स हैं जो कि आप लेना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कपड़ों की भी बड़ी अच्छी ऑप्शन है लेकिन जो कि हमने देखी लेकिन बस कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद हम लोग गए जी सेटला टाउन और वहाँ पे जो है वो हम लोगों ने अपनी फाइनल शॉपिंग की। किंग्स मॉल में बहुत सारी ब्रांड्स थी, मुझे बातिक बेसिकली आजकल ना उसके स्टिच आर्टिकल्स बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इस दफा इस ईद पे तो बातिक पे भी किसी किस्म के कोई अच्छे आर्टिकल्स नहीं आए होते। सो हम लोग यहाँ से निकले और हम लोग पहुंचे जी सेटला टाउन। और बच्चों के ब्रांड्स में मुझे तो एक दो ब्रांड्स हैं वही पसंद आते हैं और बैक टू बैक मैं बस उन्हीं के पास जाती हूँ। और इस दफा जी ईद की शॉपिंग मैंने सारी की सारी बुरहान की मिनिमाइनर से की, लेने तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक सूट गई थी लेकिन आर्टिकल्स इस दफा इतने कोई अच्छे और फ्रेश किस्म के कलर्स आए हुए थे, कलर स्कीम उनकी इतनी कोई परफेक्ट थी कि मैंने 5-6 सूट ले लिए जो कि मैं वीडियो के एंड पे लाजमी आपको दिखाऊंगी। उसके बाद जी बुरहान की शॉपिंग तो बहुत ही जल्दी हो गई लेकिन मेरी अभी तक समझ नहीं आ रही थी कुछ भी। हम लोग सफायर पे गए और सफायर पे इस दफा लग्जरी कलेक्शन बहुत अच्छी आई थी, स्पेशली ये जिंक जो सूट है ये मुझे बहुत पसंद आया था और लेकिन बस सिलवाने के चक्कर में क्योंकि दर्जन हमारी भागी हुई है
आजकल वो किसी के कपड़े नहीं पकड़ी, तो बस अनस्टिच कलेक्शन में जो है वो मुझे ये एक दो आर्टिकल्स बहुत अच्छे लगे, लेकिन बस मैं ले नहीं सकती थी क्योंकि सीए का कौन। आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर अ स्टिच आर्टिकल ताकि जो है वो बस रेडी टू वेयर हों, वो लिए जाएं और उसके बाद आराम से पहने जाएं। आई पर्सनली थॉट कि मुझे लगता है कि बस रेडी टू वेयर कपड़े बहुत ही सूटेबल हैं, बाकी ये जो दर्जन के चक्कर उसके बाद लेसों के चक्कर ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टेंशन क्रिएटिंग है। सो जी मैं पहुंची शाहपोश पे और लेने में एक जोड़ा गई थी और लेने के मैं बहुत सारे आई जो कि मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द दिखाऊंगी अपनी समर कलेक्शन पे। सो फाइनली लेट्स सी कि मैंने अपनी ईद की शॉपिंग कैसे किया, कहाँ से किया और जी कितने में की है। सबसे पहले जी बुरहान के कपड़े देखते हैं और बुरहान के लिए जी ये मैंने रोमपर लिया है। इतने कोई ठंडे कलर है, मतलब जिनको देख के बच्चे को प्यार आ जाए, ठंडे ठंडे कलर लिया करें, ये ज़्यादा डार्क उस तरीके का कलर ना लीजिएगा। और जी ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि पिंक कलर जो है वो हम बॉयज़ के लिए नहीं ले सकते, ये इतना पेयर क्यूट लग रहा था और इसको किस तरीके से पेयर करना है ये मैं अभी आपको बताऊंगी। उसके साथ जी ये मैंने 3 शर्ट्स ली हैं और इतनी कोई फिट किस्म की ये इनकी कलेक्शन थी, मतलब 3 शर्ट्स थी और आई थिंक 2200 में मुझे मिली हैं और ये बहुत ही प्यारी थी और इनको पेयर किस तरीके से करना है ये मैं अभी बताऊंगी। ये देखें अभी ये गर्ली से जो है वो बॉय की तरफ चला गया, ये जी बेसिकली पेयर जो है वो मैंने वहाँ पे खड़े खड़े डिसाइड किया है। और उसके अलावा जी दूसरी शर्ट ये थी और उसके साथ जी मैंने ये वाली जो है वो इसके साथ शॉर्ट्स ली, ये मैंने बच्चा पार्टी से ली थी और ये बहुत ही इसके साथ सूट कर रही थी। देन जी ये वाली जो है वो शर्ट है, ये वाली जो शर्ट्स है ना इस तरीके से आपने पेयर लिए हो इसके बहुत सारे फायदे हैं। बेसिकली मुझे लगता है इस तरीके से क्या होता है कि ज्यादा सारी शर्ट्स हो जाती हैं और बस एक आध शॉर्ट्स हो तो बस आपका काम चल जाता है। अब ये देखें कि ये पेयर कितना कूल लग रहा है। अब एक ही शॉर्ट है, इसके साथ में ये वाली शर्ट भी वेयर कर सकती हूँ, इसके साथ में ये वाली भी कर सकती हूँ। उसके अलावा जी चलें देखते हैं कि मेरा कौन सा ड्रेस है। ये जी इस दफा मैंने ये वाला कलर लिया है और ये कलर मैंने जिंदगी में कभी नहीं पहना, लेकिन इस दफा मैंने सोचा क्यों ना ट्राई आउट किया जाए। और बस जी इस बड़ी ईद पे जिस जिस रिश्तेदार ने मुझे गोश्त को लेकर तंग किया, बस मैं जी उन्होंने पूंड बन के लड़ना जाए फिर ना क्यों। सो ये कलर बहुत ही ठंडा था, बहुत ही प्यारा था और ये मैंने शाहपोश से लिया, ये 9500 की रेंज में मुझे मिला है। इसकी फुल डिटेल तो जी मैं ईद पे दिखाऊंगी। आप लोगों ने अपनी ईद की शॉपिंग कर ली है और किस कलर का आपका ड्रेस है लाजमी मुझे कमेंट में बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को लाइक करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में दोबारा मिलेंगे।